मुरादाबाद के डिप्टीगंज स्थित कौशल्या इंटर कॉलेज में 3 दिवसीय स्काउट गाइड शिविर का समापन समारोह कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। इस 3 दिवसीय शिविर में स्कूल के लगभग 210 बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। समापन के अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा समाज में जागरूकता के संदेश भी दिए गए। मुरादाबाद के डिप्टीगंज स्थित कौशल्या इंटर कॉलेज में 3 दिवसीय स्काउट गाइड शिविर का समापन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला स्काउट कमिश्नर डॉक्टर मधुबाला त्यागी, वंदना सक्सेना, डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा, डॉक्टर मनोज कुमार ने पहुंचकर कार्यक्रम की शुरुआत की और बच्चों द्वारा बनाए गए टेंट का निरीक्षण भी किया। सभी अतिथियों का कहना था कि बच्चे लगातार अपनी कला के माध्यम से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिला स्काउट कमिश्नर डॉक्टर मधुबाला त्यागी ने अपने संबोधन में सभी बच्चों को बधाई देते हुए कहा, आपके बीच में हम लोगों ने जो देखा, आपकी जो जोश देखा, आपकी जो हिम्मत देखा, आपका सुघड़ता देखी, आपकी सरलता देखी, घर को सजाना और संवारना देखा, बाकी वो तारीफ़ काबिल है। क्योंकि बचपन से बच्चा सीखता है और सबसे पहली उसकी पाठशाला माँ है और उसकी फिर गुरु है जो आपके इस समय वाले हैं। आप आज जो सीखेंगे वो आपके जीवन का अभिन्न अंग बनेगा आने वाले समय में। देखिएगा, सारे बच्चे पढ़ते हैं लेकिन कुछ ही बच्चे निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? वो अन्य गतिविधियों में भाग लेते हैं, जैसे आपने स्काउटिंग गाइडिंग में भाग लिया है। आपने इतनी चीज़ें ऐसी सीखी होंगी जो सारे बच्चे नहीं सीख पाएंगे, जीवन भर नहीं सीख पाएंगे। और साथ ही जो चीज़ें आज आपने से गठबंधन सीखा है, टेंट बनाना सीखा है, आपने साहसिक क्रियाएँ भी सिखाई होंगी, आपको नियम भी सिखाए होंगे मैडम ने गाइडिंग के, जो नौ नियम होते हैं, अगर आपने अपने जीवन में एक को भी अपना लिया आपको जीवन सार्थक हो जाएगा। अतिथियों के स्वागत में रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी गई जिन्हें सभी ने खूब सराहा। वहीं प्रधानाचार्य वंदना सक्सेना ने बच्चों से अपील की कि वे ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और अपने माता पिता के साथ विद्यालय का नाम रोशन करते रहें। उन्होंने आगे कहा, आप लोगों को देखकर मुझे अपना बचपन भी याद आया, जब मैं एक टोली में गई जिसका कि लोगो था पीकॉक। तो जब मैं बुलबुल थी, गाइड से पहले बुलबुल होता है ना, बताया मैंने आप लोगों को, तो मैंने अपने कॉपी के फ्रंट जो रजिस्टर का फ्रंट पेज होता है उसमें पीकॉक बहुत सुंदर तरीके से बनाया हुआ था। हम लोगों को कॉपी बनवाई जाती थी, जितनी नॉट्स हैं, गांठें होती हैं, आप लोग जैसे आप लोग टेंट्स लगाए हैं यहाँ पर, तो टेंट्स में कौन कौन सी गांठें लगाई, खूंटा गांठ लगाई होगी ना, रीफ नॉट, झूला गांठ, बहुत सारी गांठें होती हैं जो हम यहाँ सीखते हैं और इमरजेंसी टाइम्स पर उसको यूज़ करते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि ऐसे शिविर के माध्यम से विद्यार्थियों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है और वे हर समस्या का समाधान करने के लिए तैयार रहते हैं। और सबसे पहले तो इस बात के लिए बहुत ज़्यादा मैं उत्साहित करना चाहूँगा कि आपने बहुत ही उत्साह से इस कैंप में भाग लिया और स्काउटिंग के विभिन्न आयाम सीखे। आपने सीखा कि किस तरह से टेंट बनाना है, किस तरह से उसे व्यवस्थित करना है, कम संसाधनों में किस तरह से उसे बहुत सुंदर बनाना है, अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतों के अनुसार उसमें सारी चीज़ें लगानी हैं, जो अतिथि बाहर से आए उनका स्वागत सत्कार किस तरह से करना है, ये सभी विधाएं आपने स्काउटिंग में सीखी और यही आपको आगे जीवन में ले जाने के लिए काम आएंगी। कार्यक्रम का सफल संचालन तान्या गुप्ता द्वारा किया गया। साथ में 3 दिवसीय शिविर में सभी को स्काउट गाइड की बारीकियाँ तान्या गुप्ता द्वारा सिखाई गई। कौशल्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य मधु गुप्ता द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत किया गया और साथ ही कार्यक्रम के अंत में सभी को स्मृति चिन्ह देकर विद्यालय आने पर आभार भी व्यक्त किया गया।
श्री चानन से बात करते हुए मधु गुप्ता का कहना था कि विद्यालय में काफी समय के बाद शिविर आयोजित किया गया है और छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर इसमें भाग भी लिया है। सभी छात्राओं का उत्साह देखते ही बनता था। हमारा विद्यालय कौशल्या कन्या इंटर कॉलेज है और इसमें स्काउट गाइड का कैंप लगा था 3 दिवसीय, जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग किया। लगभग 210 छात्राओं ने इसमें भाग लिया। बच्चों में बहुत उत्साह है क्योंकि 2 साल कोरोना के कारण जो उनकी पाठ्य सहगामी क्रियाएँ डिस्टर्ब हो गई थी, उनको उन्होंने आज भरपूर दिया है। प्यार समर्पण और त्याग की जो भावना बच्चों में होनी चाहिए, वो आज स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिखाई दी।